दो जंगली भेड़िए पिंजरे में कैद। कई दिनों की मेहनत के बाद पिंजरे में कैद किए गए हमला करने वाले भेड़िए। बहराइच वन रेंज के गांव में बीते 15 दिनों से दो भेड़िए लोगों को निशाना बना रहे थे। भेड़िए को पकड़ने के लिए 15 दिनों से वन विभाग की टीम लगी थी। उसे पकड़ लिया गया है। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे जंगल में छोड़ने की बात कही गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि बहराइच वन प्रभाग के बहराइच रेंज अंतर्गत आने वाले महसी तहसील के गांव में बीते 15 दिनों से भेड़िया लोगों पर हमला कर रहा था। 25 मार्च को भेड़िए ने एक 1.5 वर्षीय बालक पर हमला कर मार डाला था। इसके अलावा दर्जन भर लोग हमले में घायल हुए थे। भेड़िए को पकड़ने के लिए डीएम ने वन विभाग को निर्देश दिया था। डीएफओ ने बताया कि ग्राम पंचायत सिसैया चूड़ामणि के मजरा कोलैला में पिंजरा लगाया गया था। इस पिंजरा में रात 1:30 बजे दो भेड़िया कैद हो गए। उनका स्वास्थ्य परीक्षण कतरनिया घाट के पशु चिकित्सक द्वारा किया गया। देखिए, इसमें मासी क्षेत्र में मासी तहसील के औराही मिश्रिंगपुरवा और ये जो अभी नदी का पुरवा, 3-4 गांव में लगातार 20 दिनों पहले से ही इसका मूवमेंट था भेड़िए का। और हमारे स्तर से प्रभाग स्तर से एक टीम भी बनी थी। टीम लगातार निगरानी की कर रही थी और इसमें ये कैमरा ट्रैप भी जगह जगह लगाए गए थे। कैमरा ट्रैप में भी फोटोग्राफ्स आए हैं भेड़िए के। और कल उच्च स्तर से अनुमति मिलने के बाद परसों हम लोग इसमें पिंजरा भी लगाए थे। उसमें रात में आज लगभग 1:30 बजे के आसपास दो भेड़िए का उसमें कैद हुए हैं पिंजरे में, जिसमें एक व्यस्क मादा है लगभग 5 से 6 साल उम्र होगी और एक नर अवयस्क मेल है। भेड़िए की हमलों में कितने लोगों की मौत हुई, कितने घायल हुए हैं? अभी तक जो सूचना हमें मिली है उसमें 3 लोग घायल हुए हैं और 2 डेथ हुआ है। किस कंफर्म नहीं है कि भेड़िए द्वारा किया गया जो पहली घटना हुई थी, क्योंकि तो उसमें बॉडी मिल नहीं पाई थी। तो हालांकि उसमें जो एनिमल का हेयर मिला था उसको हम लोगों ने परीक्षण के लिए देहरादून WII में इंस्टीट्यूट में भेजा गया है। अभी वहाँ से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।